हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छी हेल्थ में होंगे, बहुत खुश होंगे। तो सावन का महीना कल से स्टार्ट हो चुका है, आज थर्सडे है और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो बस अभी गोविंद सो रहा है तो मैंने सोचा मैं अपना थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। कल से मैंने स्टार्ट किया है, एक नोटबुक बनाई है जिसमें मैं राम राम लिखना स्टार्ट किया है। जब हम बच्चे थे ना तो हमारे घर के पास एक मंदिर था, वहाँ से मम्मी बुक्स लेकर आती थी जिसमें मम्मी राम राम या जय श्री श्याम ओम नमः शिवाय लिखती थी। तो वो बल्क में लेकर आती थी 108 किताबें और वो उसको फिल करके फिर मंदिर में देकर आती थी। तो यहाँ पर वो सब किताबें तो नहीं मिलती, तो मैंने सोचा चलो एक डायरी बना लेते हैं और इस तरीके से मैं भी लिख रही हूँ। जाप हो जाता है और ये काइंड ऑफ मेरा मेडिटेशन हो जाता है 10-15 मिनट का। और आप मुझे बताइएगा कि आप लोग सावन में क्या कर रहे हैं। काफी लोग तो पूरे मंथ का फास्ट रखते हैं, काफी लोग मंडे का रखते हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने तो मंडे का फास्ट ऑलरेडी रखना स्टार्ट किया है तो मैं तो बस मंडे का ही रख पाऊंगी, क्योंकि पूरे मंथ का फास्ट रखना तो बच्चे के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जितना भी आपसे बन पड़े, जितना भी आपका शरीर अलाउ करे, वो आप ज़रूर करें, भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश करें। और हर रिलीजन में ऐसा एक मंथ ज़रूर होता है जब आप भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ज़रूर उस मंथ में ब्लेस्ड फील करें, अच्छे काम करने की कोशिश करें, पॉजिटिव रहें। तो बस आज मैंने 2 पेजेस लिखे और उसके बाद अब मैं किचन में आई हूँ, अपना डिनर प्रिपेयर करूँगी, क्योंकि आज थोड़ी सी मेरी तबीयत सुबह से ही डाउन थी। तो मैंने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है, 6:30 मुझे जाना है, तब तक मेरा डिनर प्रिपेयर हो जाना चाहिए। तो अभी मैं अपना पनीर काट के एक बॉक्स में रख रही हूँ, ये डीफ्रॉस्ट करने के लिए मैंने बाहर निकाला था मॉर्निंग में, तो अब ये थोड़ा सा लूज़ हो गया है तो इसे कट करके मैं फ्रिज में डाल दूंगी। थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पनीर रहता है वो फ्रीज़र में रहता है, बाकी मैं जो यूज़ करने वाला पनीर होता है वो फ्रिज में रख लेती हूँ। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ अपनी सब्ज़ी बनाने की। तो सब्ज़ी 2 बनती हैं शाम को डिनर में, एक सूखी बनाती हूँ और एक रसे वाली सब्ज़ी बनाती हूँ। तो आज सूखे में कद्दू बन रहा है, जुकीनी, ये बहुत अच्छा बनता है, आई थिंक सभी लोगों को बहुत पसंद आता है, खट्टी मीठी सब्ज़ी बनती है। और बच्चों को अगर आप ये ना बताओ कि ये जुकीनी है तो वो लोग बहुत खुश होकर खा लेते हैं। तो आज कोई प्री प्रेपरेशन भी नहीं करी हुई थी, बस सारी चॉपिंग और वो सब मुझे अभी ही करना है। बस आते ही मैंने किचन में अपने चने चढ़ाए हैं बॉयल होने के लिए। और चने छोले में आप ये अदरक और गार्लिक का थोड़ा सा ग्रेट करके ज़रूर ऐड करें, इससे आपके जो छोले हैं और सब्जियां हैं उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अभी मैं अपनी हरी मिर्च भी कट कर रही हूँ, ये मेरी हर्ब कटिंग सीजर है, मैंने बहुत टाइम पहले अमेज़ॉन से मंगाई थी और इससे देखिए कितने ब्यूटीफुल जूलियंस हो जाते हैं ग्रीन चिली के। काफ़ी लोग तो ग्रीन चिली को कट करके एक एयरटाइट कंटेनर में भी रखते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि फ्रेश ही कट करूँ, उससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है सब्ज़ियों में। मैंने भी ट्राई किया था कि मैं कट करके रख लूँ और जब डालना हो तो डायरेक्ट उसको यूज़ करूँ, बट उससे मुझे लगता है कि फ्लेवर अच्छा नहीं आता। और आज धनिया की चटनी बननी है तो धनिया भी मैं थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ। जिस बंच की मुझे चटनी बनानी होती है उसको मैं क्लीन करके नहीं रखती, बाकी जो सब्ज़ी में डालने वाला होता है उसको मैं ऑलरेडी क्लीन करके एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लेती हूँ। वैसे भी जब चटनी बनानी होती है तो ज़्यादा धनिये को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती, बस उसके जो नीचे वाला जो पार्ट होता है हल्का हल्का थोड़ा सा मैं कट करके और बाकी मैं पूरा यूज़ करती हूँ चटनी बनाने में। तो अभी मैं लगी हूँ अपनी सब्ज़ी बनाने के लिए, जुकीनी की सब्ज़ी मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाऊँगी और चने की सब्ज़ी मैं कभी तो घी में बना लेती हूँ, कभी मस्टर्ड ऑयल में, डिपेंडिंग ऑन माय मूड। तो मस्टर्ड ऑयल में मैंने थोड़ा सा हींग जीरा डाला है और उसके बाद मैंने ग्रीन चिली ऐड करी है। ये बहुत ही ईजी सब्ज़ी है, सारे मसाले एक साथ आप इसमें डाल दो और फिर ये सब्ज़ी पकती रहती है अपने आप। और उसके बाद मैंने जुकीनी भी ऐड कर दी और साथ ही साथ मैं अभी सारे मसाले ऐड कर दूंगी इसमें, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग मसाला और थोड़ा सा सॉल्ट। इनिशियली आप इसमें सॉल्ट कम ही ऐड करें, क्योंकि ये जैसा कि हर ग्रीन वेजिटेबल थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है, ये सब्ज़ी भी श्रिंक हो जाती है, तो अगर आप ज़्यादा ऐड कर देंगे तो ये खारी हो जाएगी, इसीलिए थोड़ा सा आप नमक डालते वक्त प्रिकॉशन लें। और देखिए ये सब्ज़ी मेरी मैं दूसरे स्टफ पे ट्रांसफ़र कर दूंगी और सामने मैं बनाऊंगी अपने
चने के लिए तड़का, तो घी भी गरम हो गया है, उसमें मैं हींग जीरा डालूंगी। बहुत ही सिंपल चने की सब्ज़ी बनती है लेकिन बहुत ही यमी लगती है खाने में। और उसके बाद हरी मिर्च और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट को आप अच्छे से भूने, अदरवाइज़ अगर उसका रॉ फ्लेवर आएगा ना खाने में तो वो अच्छा नहीं लगेगा आपको। उसके बाद मैंने ये रेड अनियन डाला है और थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट मैंने कम ही ऐड किया है क्योंकि चने को बॉईल करते वक्त भी मैंने नमक ऐड किया था। और बस अनियन को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसमें मैंने टमाटर भी ऐड कर दिया है। और जब तक वो सब पक रहा है तब तक मैं अपने चने को थोड़ा सा मैश कर लूँगी। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, बस थोड़ा सा, जिससे कि ग्रेवी जो होती है वो बहुत अच्छी बनती है, थोड़ी सी थिक हो जाती है और खाने में भी फिर बहुत अच्छी लगती है वो। तो यहाँ पे देखिए मैं दोनों सब्जियाँ साथ साथ ही देख रही हूँ तो फास्ट कुकिंग हो जाती है। दोनों दो स्टव मैंने बड़े चला लिए हैं और फटाफट से मेरी कुकिंग ख़त्म हो जाएगी। तो अभी पीछे वाली सब्ज़ी मेरी कद्दू की पक रही है और आगे ये प्याज टमाटर भी अच्छे से भुन गया है। तो अब इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, किचन किंग मसाला और छोला या चना मसाला, आप कुछ भी ऐड कर लें, बट मैं बहुत ज़्यादा मसाले नहीं रखना प्रेफर करती, तो मैं छोले मसाला ही ऐड करती हूँ चने में भी। तो मैंने कोरिएंडर एंड किचन किंग 1-1 टीस्पून और छोला मसाला अबाउट 1.5 टीस्पून ऐड किया है और थोड़ा सा पानी ऐड करके सारे मसाले को अच्छे से भून लूँगी। काफ़ी लोग तो पूरे सावन के महीने प्याज नहीं खाते, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग भी ये फॉलो करते हो क्या, बट मेरे घर में ऐसा फॉलो करना काफ़ी टफ होता है। हम लोग तो नवरात्रों में प्याज नहीं खाते पूरे 7 दिन, तभी काफ़ी टफ लगता है कि अब मैं क्या बनाऊँ, सोचते सोचते ही बहुत टफ हो जाता है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते, जितना फॉलो हो उतना कर लें, जितना ना हो पाए आप छोड़ दें। तो अभी बनाने लगी हूँ मैं हरी धनिए की चटनी। उसके लिए मैंने थोड़ा सा इमली लिया है, सीडलेस इमली, उसमें थोड़ा सा डाला है जिंजर, ग्रीन चिली और हींग। और अभी मैं इसमें एक बंच डाल रही हूँ कोरिएंडर लीव्स और थोड़ा सा नमक इसमें डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी। इसका एक और वेरिएंट मैंने शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ, जिसमें मैंने दही और टमाटर से चटनी बनाई थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ बनाते हैं उनका टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट आता है, तो आप अलग अलग तरीके से हरी धनिया की चटनी बनाएंगे उसका अलग अलग टेस्ट आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा चना भी अच्छे से पक गया है, तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड किया है। काफ़ी लोग तो चना वगैरह छोला बनाने के लिए टमाटर की प्योरी यूज़ करते हैं, बट मुझे पर्सनली प्योरी से ज़्यादा प्याज टमाटर का कटा हुआ ज़्यादा पसंद आता है फ्लेवर। और ये कद्दू की सब्ज़ी भी मेरी बन गई है, तो लास्ट में इसमें मैंने थोड़ा सा चीनी ऐड की है, ये खट्टी मीठी सब्ज़ी बनती है, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। ये कद्दू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली पूरियों के साथ जब आप इसे खाते हो तो बहुत टेस्टी लगती है। और बस ये मेरी आदत है, खाना बनते ही उसको एक कंटेनर में, उनके कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, और साथ ही साथ अपने सारे जो ये बड़े कंटेनर हैं, कुकवेयर्स हैं, इनको मैं क्लीन करके रख दूँगी, किचन क्लीन कर दूँगी, जिससे कि मैं अब आराम से डॉक्टर को दिखा के आ पाऊँ। और जो खाने के बाद के बर्तन होते हैं वो थोड़े से ही होते हैं, तो वो क्विकली क्लीन हो जाते हैं। तो बस अभी हम लोग निकले हैं बाहर डॉक्टर को दिखाने के लिए, और आज काफ़ी मेरा फेस उतरा हुआ था इसीलिए मैं आप लोगों से कैमरा पे बात भी नहीं कर रही हूँ। तो डॉक्टर ने बोला है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वायरल फीवर नहीं हुआ बट आपको सिम्टम्स सारे ऐसे होते हैं, उसी की वजह से आपकी बॉडी टूटती है और आपको वीकनेस फील होती है। तो उन्होंने बोला कि कोई मेडिसिन, यहाँ पे ये अच्छी बात है कि कोई मेडिसिन एकदम से नहीं प्रिस्क्राइब करते, तो कोई मेडिसिन नहीं दी उन्होंने, बोला ये फ्लू है, फ्लू सीज़न है, तो अपने आप चला जाएगा थोड़े टाइम बाद। और कल ना हम ये रेस्टोरेंट आए थे, इंडियन बिस्ट्रो, और
कल क्या हुआ कि गोविंद अपनी बॉटल यहीं छोड़ गया, तो आज हम उसे पिक करने आए हैं। और फिर अंशुल ने बोला तुम्हारा थोड़ा सा मूड चेयर अप हो जाएगा तो चलो थोड़ी चाट खाते हैं, तो देख रहे हैं अभी वो कौन सी चाट ऑर्डर कर रहे हैं। हमने ये पापड़ी चाट ऑर्डर की थी, उस दिन तो मुझे बिल्कुल मन नहीं था खाने का, बट अब वीडियो एडिटिंग करते वक्त मुझे काफ़ी ड्रूलिंग हो रही है इसे खाने की। और इसके बाद हम लोग आए थे शीतल ग्रोसरी स्टोर, ये इंडियन ग्रोसरी स्टोर है, हम इंडियंस का मंदिर कहिए। आज के दिन फ्रेश वेजिटेबल्स आती हैं तो सोचा चलो थोड़ी वेजिटेबल्स ले आते हैं। मैंने ली है ये एक घिया, एक धनिया का बंच लिया है क्योंकि आज जो बचा हुआ धनिया था वो मैंने सारा यूटिलाइज़ कर लिया है। और ये ग्रीन चिलीज़ ली हैं, ये माइल्ड ग्रीन चिलीज़ हैं, बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, इसका अचार भी बहुत अच्छा बनता है। और उसके बाद मैंने परवल ली है, हमारे यहाँ परवल बहुत पसंद की जाती है, डिनर में मैं परवल की सब्ज़ी बना लेती हूँ और नेक्स्ट डे इस सब्ज़ी को मैं ब्रेड के बीच में डाल के सैंडविच बना लेती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। और एक अमरूद लिया है क्योंकि अमरूद सिर्फ मैं खाती हूँ मेरे घर में। और ये रेड अनियंस, मुझे रेड अनियंस का टेस्ट ज़्यादा पसंद आता है कम्पेयर टू वाइट अनियंस, क्योंकि हमने बचपन से यही वाली अनियंस खाई हुई हैं तो मैं यही लाती हूँ अपने घर पर। और घर आते आते मेरी काफ़ी तबीयत और डाउन लग रही थी तो हस्बैंड ने बोला कि आज रोटियां वो बना लेंगे, तो बस अभी वो हेल्प कर रहे हैं। और बहुत ही पतली पतली फूली हुई फुलकियां उन्होंने बनाई थी, आप लोगों ने मुझे बोला है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं किस तरीके से मैं फुलके बनाती हूं, तो डेफिनेटली एक वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूंगी। और डिनर के बाद गोविंद अपने डैडी के साथ थोड़ा सा प्ले कर रहा है, उसको ये स्टिकर्स पेस्ट करना बहुत पसंद है तो हम ये स्टिकर पैड्स उसके लिए डॉलर ट्री से ले आते हैं और ये इससे प्रोजेक्ट बनाता है। आज जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था ना तब मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं थी, बट अब थोड़ा सा और ज़्यादा मुझे डाउन डाउन फील हो रहा है, थोड़ा सा फीवरिश भी लग रहा है। मैंने अभी मेजर किया था टेम्परेचर 101 के अराउंड है, तो ठंड भी लग रही है, इसीलिए अभी गोविंद और डैडी बैठ के खेल रहे हैं और मैं गोविंद के रूम में ही थोड़ा सा आराम कर रही हूँ। तो बस अब मैं इस ब्लॉग को और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया है, वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं और आप कनेक्ट करते हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आई एम सॉरी अगर आप लोगों को बुरा लगा है कि मैं बीमार हो गई या यू नो आपको अगर थोड़ी सी भी सैडनेस मिली है इस ब्लॉग से, तो आई एम रियली सॉरी, बट दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ राइट, जब हम अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं तो ये भी इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट। सो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग बनाते हैं, और दोपहर में इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं थी, अदरवाइज तो आई वुडंट हैव थॉट ऑफ इवन मेकिंग अ ब्लॉग, तो बस यही था। तो चलिए फिर से मिलेंगे एक और ब्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर।